पूज्य मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यीशु के शिष्य बनने का मूल्य और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय की 18 आयत से लेकर 22वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी हमारे साथ खोल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय की 18 आयत से लेकर 22 आयत तक यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। सबसे पहले हम इन चंद आयतों को पहले उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उर्दू में। यीशु के शागिर्द होने की कीमत इसका टाइटल है उर्दू में और लिखा है, जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। और 21वीं आयत में लिखा है, एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावन, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष मिले, बरकत मिले। अब हम इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यीशु के शिष्य बनने का मूल्य 18वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। हम देख रहे हैं कि अनेक रोगियों को यीशु मसीह ने चंगा किया। एक सूबेदार का विश्वास भी हमने देखा कि कैसा विश्वास किया, और कोर्ट के रोगी को भी परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगा किया। और यीशु मसीह ने दृष्टांत में घर बनाने वाले दो व्यक्तियों का भी उदाहरण दिया था कि एक मूर्ख है और एक समझदार। और आगे जब देखा कि भीड़ है वो यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए बढ़ती ही जा रही है, तो यीशु मसीह ने कहा कि भाई जो ये झील है इसके दूसरी तरफ चलो, अपने चेलों को आज्ञा दी। तभी 19वीं आयत में लिखा है, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा। तो एक व्यक्ति आता है जो कि बड़ा धार्मिक व्यक्ति है और शास्त्री था, और कहता है कि यीशु मसीह जी, आप जहां जाओगे ना मैं आज से और अभी से आपके पीछे चलूंगा, कहीं भी जाओगे आप वहीं भी चलूंगा। तो यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। तो यीशु मसीह बोला, अरे मेरे पीछे चल के क्या करेगा तू, नहीं उतने इस चक्कर में तो नहीं जाओ भाई, बढ़िया ऐसा आराम मिलेगा, बढ़िया जिंदगी मिलेगी, कच्चे काटूंगा। तो ऐसा है, बात सुन ले भाई, मेरे पीछे तो जरूर चल, मैं मना नहीं करता, अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले तो सुन ले कि जो लोमड़ियां होती है उनके भी घर होते हैं, उनके भी भट होते हैं, भट मतलब गुफाएं वगैरह होती है कुछ, और जो आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं, चिड़िया, तोते और अगड़म झगड़म जितने भी हैं, उन सारे के भी घोंसले होते हैं, सबके घोंसले बना रखे हैं, सबने अपने अपने घर बना रखे हैं। लेकिन जो मैं हूँ, जो मनुष्य का पुत्र हूँ, उसको सिर धरने की भी कहीं भी जगह नहीं, अपना कोई घर नहीं, अपनी कोई झोपड़ी भी, ठीक है। तो यह बात पहले तू सुन ले। और 21वीं आयत में लिखा है, और ये बात जब कह चुका यीशु मसीह, तो एक और चेले ने भी यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। एक और चेला बोला, जी यीशु मसीह, दो मिनट रुको, थोड़ी देर रुको, एक घंटे का टाइम दो, दो चार घंटे का टाइम दो, मैं भी आपके साथ है चलूंगा, मैं भी आपका चेला बनूंगा, बस इतनी इजाजत दे दे कि मेरे पिताजी है वो, उनकी डेथ होगी है, अभी अभी डेथ हुई, अभी चार मिनट पहले फोन आया मेरे पास, एक बार उसको दफन कराऊं, एक बार उसको गाड़ आऊं, फिर मैं आपके पीछे चलूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा था, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु मसीह बोला, तू पड़ा है मुर्दियां गाड़ने चक्कर में पड़ा है, उसने गाड़नी है बतेरे हैं, ठीक है। जो बाकी लोग जो वचन के पीछे नहीं चलते हैं, जो मृतकों के समान है, जो मुर्दों के समान है, जिन्हें की जाना ही नरक में है, तो आपके पिताजी तो मरवाड़ लिए, उसने जो गाड़ने के लिए बतेरे आदमी है वही गाड़ लेंगे। तू मेरे पीछे हो ले, अर्थात तू जीवन के पीछे हो ले, जो बाकी लोग हैं उनको ये काम करने दे जो वचन के पीछे नहीं चलते हैं। तो आज हमने देखा कि यीशु के शिष्य बनने का कैसा मूल्य है वो यीशु मसीह ने बताया था। और आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे सबको। जय मसीह की। जय हिंद।